नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमन बिरादर। मेरे इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो विषय, एक नया विषय आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और वो विषय है फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया एंड द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब आपको पता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इसके बारे में आप चर्चा करेंगे क्या क्या हमारे स्ट्रेंथ है मैकेनाइजेशन में, क्या क्या वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं सब लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज कई अनाज है विश्व में जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, और जिसमें हम आप नंबर वन पे हैं। जो आज हम उत्पाद ले रहे हैं उसके बारे में आज नंबर वन पे हैं। जैसे गेहूं है, फल है, सब्जियां है, ऐसे जैसे गन्ना भी है, दूध भी है, जिसमें हम आज नंबर वन पे हैं ग्लोबल लेवल पे। पर कुछ कुछ जैसे उत्पाद है, कुछ कुछ जैसे फसल है, जिसमें हम आज ग्लोबल एवरेज से कम भी है, पीछे भी चल रहे हैं। ग्लोबल एवरेज से हम बहुत कम ऐसे भी चल रहे हैं कुछ लेवल पे, पर हेक्टर पर हेकर के बारे में अगर हेक्टर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो उस पर हम कम हैं। पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ग्लोबल एवरेज पे अगर हम पहुँच जाए तो भारत एक इतना बड़ा विशाल देश और इतना हाईली प्रोडक्शन वाला देश बन जाएगा, इसके बारे में मुझे दो राय नहीं है। मित्रों, भारत में सिर्फ आज 40% का मैकेनाइजेशन हो गया है, और इसका जो ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज के भी आंकड़े हम आज देखेंगे विश्व में क्या क्या जो बाकी के देश हैं क्या कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, ब्राज़ील में 75% मैकेनाइजेशन हो गया है, कनाडा में 95% है, यूएस में 95% है, फ्रांस में 99% है, चाइना में अपने देश के बाजू में 60% है, रशिया में 80% और वेस्टर्न यूरोप में 95%। ये आंकड़े हैं अलग अलग देशों में। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं 95% 90%, ऐसा मैकेनाइजेशन पूरा विश्व में हो गया, और भारत सिर्फ आम आज 40% 40% में चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो अभी हम आप देखेंगे कि जो मशीनरी है, एग्रीकल्चर मशीन से जो क्रॉप के यूज करते हैं हम क्रॉप में, तो क्रॉप के कौन से स्टेजेस पे लाइफ साइकिल के ये यूज करते हैं। मशीनरी यूज एज पर द क्रॉप स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। जैसे आप जानते हैं, फसल का जमीन तैयार करना, उसको लगाना, उगाना, बड़ा करना और कटाई, ये सब उसमें काम लगाए रहते हैं। तो पहला जो काम होता है उसका लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में अलग अलग जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसमें प्लोज होते हैं, रोटावेटर्स होते हैं, लैंड लेवलर्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग मशीनरी यूज़ करते हैं जैसे आप जानते हैं। सेकेंड जो है सोइंग एंड प्लांटिंग। सोइंग एंड प्लांटिंग में सीड ड्रिल है, प्लांटर है, डिबलर है, ये सब मशीनरी वहाँ यूज करते हैं। और तीसरा जो ऑपरेशन है वीडिंग, इंटरकल्टिवेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन। जैसे क्रॉप थोड़ा सी बड़ी हो जाए तो उसमें वीडिंग लगता है, उसमें घास काटना पड़ता है, उसमें वो चीज़ लगती है। उसमें जो मशीनरीज अलग अलग यूज़ करते हैं उसमें टीलर्स है, हैरो है, स्प्रेयर है, डस्टर्स भी हम यूज़ करते हैं। अगर उसमें कुछ प्लांट प्रोटेक्शन का कुछ अटैक आया तो हम उसके लिए स्प्रेयर या डस्टर भी यूज़ करते हैं। जो फोर्थ स्टेज है उसमें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अलग अलग मशीनें अभी थ्रेशर और हार्वेस्टर ये यूज़ करते हैं आज की तारीख में। जैसे रीपर है, जैसे डिगर है, ऐसी बहुत सारी मशीनरी आज वहाँ हम यूज़ किया जाती है। जो पांचवा है पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट में और एग्रो प्रोसेसिंग में जो हम उत्पाद निकालते हैं उसके बाद वो हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसमें क्लीनर, ग्रेडर, डीहलर, डिहस्कर और सीड एक्सट्रैक्टर, ऐसे अलग अलग जो मशीन्स हैं ये यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग मशीन्स हम पोस्ट हार्वेस्ट एंड एग्रो प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। दोस्तों, फार्म मैकेनाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कम मैन पावर में भी हम काम कर सकते हैं, हमारा काम जल्दी होता है, जैसे आप जानते हैं कि समय भी बचता है हमारा, कम समय में ये हमारे सब काम फार्म मैकेनाइजेशन में हमारी मशीनरीज करती है। अभी आज हम देखेंगे कि आज की तारीख में कि ये फार्म मैकेनाइजेशन की स्थिति क्या है, करंट स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन आज इंडिया में इसकी स्थिति क्या है। आज हमारा युवा आज शहरों की ओर बढ़ रहा है, मैन पावर का शॉर्टेज गांव में अभी हो रहा है, और हमारे क्षेत्र में फार्म मैकेनाइजेशन में अभी उसके सिवा हमको कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। कृषि में फार्म मैकेनाइजेशन करने के सिवा हमको ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैन पावर नहीं मिल रही है। अभी हम देखेंगे भारत में रीजन वाइज, उत्तर भारत में आज स्थिति ऐसी है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्य में बहुत सारा मैकेनाइजेशन हुआ है, मैक्सिमम मैकेनाइजेशन हो गया है,
जैसे साउथ और वेस्टर्न राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इस राज्यों में जो लोअर लेवल पे या मीडियम लेवल पे जो इनका मैकेनाइजेशन का क्षेत्र है, क्योंकि अभी इधर जमीन का जो बंटवारा हो रहा है, जमीन की होल्डिंग जो है कम होती जा रही है, लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और ज़्यादा ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत लैंड होल्डिंग कम है, इसके लिए उधर बहुत प्रॉब्लम अभी आ रही है, क्योंकि ईस्टर्न लेवल पे स्टेट्स में कुछ जगहों पे तो ट्रांसपोर्ट को भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट उधर जाता नहीं और ईस्टर्न लेवल मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा उधर प्रॉब्लम है। तो अभी कृषि यांत्रिकीकरण में, कृषि उपकरण जो हमारे भारत देश में जो है विषय है, उसमें हम अभी आज देखेंगे कि इस भारत का जो मार्केट है बड़ा, उसमें कृषि उपकरण कितने बिकते हैं, उसका सेल कितना है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, ट्रैक्टर 6 से 8 लाख तक प्रतिवर्ष बिकते हैं भारत देश में अपने। 2 नंबर पे थ्रेशर है, थ्रेशर 1 लाख बिकते हैं। 3 नंबर पे रोटावेटर 60 to 80 thousand बिकते हैं। उसके बाद पावर टीलर 50 to 60 हज़ार तक बिकते हैं। उसके बाद में सीड ड्रिल, जो अलग अलग प्रकार के सीड ड्रिल है, वो 20 से 30 हज़ार तक बिकते हैं। पावर वीडर 25 हज़ार तक बिकते हैं और कंबाइन हार्वेस्टर 4 से 5 हज़ार तक बिकते हैं। ये अलग अलग मतलब जो मशीनरी है, ये पूरे देश में उसका सेल इतना हो रहा है आज की तारीख में। अभी मित्रों, अभी चालू करेंगे हम SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस मतलब ये जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन इंडिया है उसके बारे में आज क्या आपको स्ट्रेंथ है उसका, क्या वीकनेसेस है, क्या उसमें ताकत है, क्या कमियां है उसमें, क्या हम अपॉर्चुनिटीज उसको हम बोलते हैं कि अवसर हमको यहाँ है, और क्या धोखे भी उसके बारे में हमको इन फ्यूचर आने वाले हैं, भविष्य आने वाले हैं, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। अभी हम स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे। पहले स्ट्रेंथ्स, पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 20,000 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो 20,000 के करीब छोटे छोटे वो हमारे गांव लेवल पे भी कुछ मैन्युफैक्चरर है, वो अलग अलग कृषि यंत्र बनाते हैं और उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है बनाकर वो करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी मच स्ट्रेंथ, अपने यहाँ बहुत बड़ी उसकी ताकत हो सकती है। सेकेंड है, दूसरा है वास्ट नेटवर्क ऑफ एकेडमिक एंड R&D AICRP अंडर NARS NARS, जो भारत देश में R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी इंडिया में, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अपने लिए। उधर R&D बहुत बड़ा किया जाता है, नेशनल रिसर्च सेंटर्स है उसमें बहुत बड़ी R&D होती है और उसका हमें उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेंड मैन पावर फॉर R&D, मैन पावर जो है अपने यहाँ वो R&D में बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ट्रेंड मैन पावर बहुत है, उसमें उसका भी हमको फायदा हो सकता है। ओवर 100 ऑपरेटिंग सेंटर्स, 100 के करीब उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग सेंटर्स जो AICRP में है वो हमारे पास अवेलेबल है, उसका नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यूज कर सकते हैं। पांचवा है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइंस, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अभी हो सकती है, क्योंकि हमारे डिजाइंस इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर एडेड डिजाइंस होता है और उसका भी बहुत बड़ा एक हमको उपयोग होने वाला है, वो एक हमारी स्ट्रेंथ है सोचते हैं। अभी हम वीकनेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्या कमियां हमारे इस फार्म मैकेनाइजेशन के लेवल पे हम अभी फेस कर रहे हैं भारत में, इसके बारे में चर्चा करें। अनरिलायबल आफ्टर सेल सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, अभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में आफ्टर सेल सर्विस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने भारत देश में, तो वो एक इश्यू हमारे बीच में आ रहा है। और सेकेंड, जब पुअर लाइजनिंग विद इंडस्ट्रीज के बारे एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है बहुत बार, और होता है ऐसे है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो नया रिसर्च हुआ प्रोडक्ट है, वो कमर्शियलाइजेशन उसका नहीं होता, इंडस्ट्रीज के बारे में उधर गैप होता है और उसका कमर्शियलाइजेशन पेंडिंग होता है, तो दैट इज द गैप, बिग गैप। तो उसमें वो एक हमारे में कमी है, तो उसको हमको सुलझाना पड़ेगा। द थर्ड इज नॉन इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम। नॉन इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम मतलब कि वो ऐसा रहा है कि हम कुछ अगर फील्ड में कुछ फीडबैक हमको मिलता है तो उसका एग्जैक्ट जो रिलेशन है हम R&D सेंटर में पहुंचा नहीं पाते, तो दैट इज द प्रॉब्लम। और फोर्थ है नॉन सिस्टमैटिक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट।
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का जो मार्केटिंग आज की तारीख में हो रहा है वो सिस्टमेटिक हो नहीं रहा है, अप्रोच जो है लास्ट किसान तक नहीं जा रहा है। अभी हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, क्या अवसर है फार्म मैकेनाइजेशन में। तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर कस्टम हायरिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी है तो कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम अभी व्यापारी तत्व पर वो हम कस्टम हायरिंग सेंटर चला सकते हैं। उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट अलग अलग जो हमारी आती हैं, एग्रो प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में भी विलेज लेवल पे गांव लेवल पे है, तो वो भी हम उसको अपॉर्चुनिटीज में अवसर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिडक्शन एंड वैल्यू एडिशन। अभी वो ऐसे रहे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिडक्शन मतलब जो हम अभी बीज जो हम हार्वेस्ट हमारा लेते हैं उत्पाद लेते हैं उसके बारे में उसका जो वैल्यू एडिशन वो नहीं पाता, तो वो बड़ा प्रॉब्लम उसमें है और उसको हम अवसर के अपॉर्चुनिटी में हम उसको ले सकते हैं। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर कमर्शियल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अभी वैल्यू चेन आज की तारीख में विलेज लेवल पे नहीं है, गांव में आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम वैल्यू चेन का है। कोई भी अगर उत्पाद निकलता है तो वो डायरेक्टली मार्केट में जाता है फार्मर लोगों को किसान लोगों को, और उनको जाके वहाँ मतलब उसका सेल करना पड़ता है, उसको बिकना पड़ता है और कम दाम में बिकते हैं और लॉस होता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। और चौथा है अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग द इरिगेशन एरिया। इरिगेशन जो है ड्रिप इरिगेशन या बाकी की चीज़ उसमें हम इरिगेशन कर सकते हैं और उसका एरिया भी हम बढ़ा सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है। और जो पांचवा है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रिसीजन फार्मिंग। अभी प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी नई आ रही है और उसके थ्रू भी हम फार्मिंग का जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ा सकते हैं, एक हमारे में अपॉर्चुनिटी। और चौथा हम अभी चर्चा करेंगे थ्रेट्स के बारे में। थ्रेट्स क्या क्या हैं आज धोखे जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को है फार्म मैकेनाइजेशन को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कि माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि से आज बहुत सारे लोग फार्मर जो है किसान लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं, तो एक बड़ी दिक्कत बहुत बड़ा धोखा हम इसको कह सकते हैं वो आज की तारीख में वो फार्मिंग सेक्टर को इंडिया को है। और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस रिडक्शन इन लैंड होल्डिंग्स। आज क्या हो रहा है कि जो पूरा गांव में जब जमीन की छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और कंटिन्यूअस रिडक्शन। अभी अगर एक आदमी की अगर जमीन एक हेक्टर है तो आगे जाके उसको अगर दो उसको बेटे होते हैं तो उसका और फ्रेगमेंटेशन होता है, उसको एक एकड़ एक हेक्टर का आधा हेक्टर हो जाता है। इस तरीके से उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसका वो बड़ा थ्रेट हमारे फार्म मैकेनाइजेशन में है। स्लो पेस ऑफ R&D एंड कमर्शियलाइजेशन। अभी होता है ऐसे कि R&D सेंटर में जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि रिसर्च होता है लेकिन उसका कमर्शियलाइजेशन बहुत स्लो होता है, उसके वही एक थ्रेट हमारे इस फार्म मैकेनाइजेशन के लेवल पे है। रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी स्टिल सब्सिडी पे है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ये लेवल पे अभी सब्सिडी हमको ये डिपेंडेंट है, तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती करनी पड़ेगी। और जो पांचवा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जो फार्म इक्विपमेंट को मिलनी चाहिए वो आज की तारीख में नहीं मिलती, वो एक बड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर कॉमेंट में मुझे बताइएगा।